जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप लोग का आपके अपने चैनल अलौकिक स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका आप लोगों का बहुत दिनों पहले ही वैकेंसी आई थी, जिसको वैकेंसी आप लोगों की 2020 में आई थी, जिसमें आप लोगों को डेट भी बिल्कुल क्लियर किया गया था कि आप लोगों का जो है 20 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों 20 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम डेट यहाँ पर रखा गया था, जिसमें आप लोगों को एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन ये वैकेंसी इतना डिले हुई है कि सभी की जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है। फाइनली इसका जो है एग्जाम डेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो है इसका एग्जाम डेट बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आ चुका है, कब आप लोगों का एग्जाम होने वाला सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस खुशखबरी के लिए आप लोगों का फर्ज बनता है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास डेट आ चुका है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिनों बाद इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। विभाग से मैंने पता लगाया और वहां से जानकारी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है जहां पर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया हुआ कि अभी जानकारी जो है अभी आई नहीं हुई, वहां विभाग में भी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो फाइनली चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कब आप लोगों का एग्जाम होने वाला सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आप लोगों का जो एग्जाम डेट निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, वो है आप लोगों का 28 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो है जो एग्जाम डेट निकल कर आया हुआ है वो आप लोगों का 28 जनवरी 2023। ठीक है, ये डेट वो है जिसमें आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके जो है डेट चेंज होने के जो है न के बराबर चांस है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मान चलिए कि यहाँ पर 100%, ठीक है 100% आप लोगों का ये एग्जाम जो है 28 जनवरी को ले लिया जाएगा। आप लोगों ने फिजिकल को दिया हुआ तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, अब आप लोगों को अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाना है, क्योंकि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना। बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम को इस बार नहीं देंगे, बहुत सारे बच्चे जो है अदर जॉब में लग गए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, एकदम से छोड़ चुके हैं। यदि इसमें आप लोग इन लोगों में शामिल नहीं है, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और मजबूत कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो है एक सीट होना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को भूल चुके हैं, ठीक है, वैसे तो लगभग कोई भूले नहीं, 789 पोस्ट पर आप लोगों की वैकेंसी आई थी, जिसके बारे में आप लोगों को हमेशा से ही अपडेट करता रहा हूं। जो भी हमारे पास अपडेट छोटी बड़ी आती थी, सभी अपडेट आप लोगों को करता था, और यहां पर भी आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आ चुका हूं। मैंने आप लोगों को बता भी दिया हुआ है कि 28 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी को जितना हो सके उतना तेज करिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है। मैं भी बहुत ही इससे जो है बहुत खुशी हमको भी हो रही है कि हमारे द्वारा जो विभाग ने जो जानकारी दिया हुआ है ये बिल्कुल 100% रियल जानकारी आप लोगों के पास आ चुकी है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं रह पाएगा कि सर कोई डेट बता दीजिए तब तैयारी करूं, तो अब आप लोगों की डेट आ चुकी है, आप लोग तैयारी करिए, जो आप लोगों को जल्द ही इसके बारे में आपका एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का नोटिस, ठीक है, नोटिस भी आप लोगों को जो है इसका एक या दो दिन, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेगा, एक या दो दिन में आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है उसके कुछ ही दिनों बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, और फाइनली आप लोगों का जो है 28 जनवरी को आप लोगों का जो है इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर ऐसे ही नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं फिर से नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।